मैगी का लुत्फ उठाएंगे क्योंकि भैया से शिकंजी लाई थी तो भैया ने इस वाले गिलास में दिया। मैंने कहा आज पहली बार किसने बहुत ही अच्छे गिलास में जो है शरबत पिलाई है, तो अच्छा लगा। वरना वो घिसे पिटे गिलास जो भी है यूजन थ्रो उनमें हमें गुजारा करना पड़ता है, तो आज जो है इज्जत से हमें पीनी पड़ी शिकंजी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से ज़्यादा नहीं, 12 कितनी मुर्गियाँ हैं इधर माशाल्लाह। यार दिल करता है चोरी से ले जाऊँ और घर पे इसको पका के खाऊँ। वाह यार कितनी मुर्गियाँ हैं यहाँ, देखो यहाँ भी अलग से है, यहाँ भी है, शायद इनको इन्होंने यहाँ पे रखे है फार्म। तो देखो रास्ता भी बहुत सुंदर है, देखो इस रास्ते पे मैं अभी खड़ी हूँ मुर्गों को देख रही हूँ। यहाँ पे सीढ़ी भी लगी हुई है तो मैं इनको इजीली कैच कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं कहीं जा रही हूँ वो तो थंबनेल से आपको पता चलेगा, टाइटल से, थंबनेल ही टाइटल से। तो अभी मैं रुकी हुई इधर धूप पे आपसे बात कर रही हूँ अपनी स्किन की परवाह किए बगैर, और ये नहीं है मुझे कि मतलब मेरे को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे को कितनी धूप लगेगी, नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो अभी फ़िलहाल जो है मैं अंदर जाऊँगी, यहाँ पे कुछ चाय पीऊँ। क्या पौधे, देखो यहाँ पर पौधे भी हैं। ये क्या पौधे हैं? तो ये जो हैं मिर्ची के पौधे हैं, किधर लगाए हैं और इन्होंने किस में लगाए हैं इसमें, ये देखो यहाँ पे है भी सीड्स, इसमें लगाए हैं यूज एंड थ्रो में, वहाँ पे भी हैं यहाँ। ये कौन सा चार है? ये है आमले का और गरगर का। ये आमले का है। और बाकी है? एक आम का, नींबू का, गरगल आमला और त्यों का, और मुरब्बे हैं, गाजर का मुरब्बा, आमले का। ऐसे ये भी शायद अपने इन्हीं के लिए अचार के लिए रखा है। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने अचार डालना है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले इसको पानी में भिगो के रखा है, तो इन्होंने अचार डालना है, यहाँ पे अचार डालते हैं। ये क्या इसमें पैकेट में? अच्छा, ओके। देसी मुर्गियाँ बेचते हो कितने की? ये आप ही क्या हैं? अच्छा 500 के हिसाब से देते हो केजी के हिसाब से? केजी, हाँ 500 केजी के हिसाब से। फिर कितना बोला आपने? 1.5 किलो 2 किलो के बीच में, मतलब ये आप 600-700 के दो, कितने का ये? 500 रुपीज पर केजी है। पर केजी, बट ये 2-3 होंगे ना, 2-3 केजी होंगी? नहीं ये होगा 1.5 किलो 2 किलो के, 1.5-2 किलो। हाँ अच्छा, तो ये मेरे लिए मैगी बना रहे हैं अभी, देखिए आप ये कैसे बनाते हैं। अभी यहाँ पर बैठ के जो है मैगी का लुत्फ उठाएंगे क्योंकि ऐसी जगहों पे इन चीज़ों का बहुत मज़ा आता है भाई, क्योंकि ये रास्ते पे ही पड़ता है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मैगी खानी है तो आप मेरे लिए मैगी बनाएं, तो अभी फ़िलहाल जो है मैगी खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चलिए पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको रोल आउट करके और बिस्मिल्लाह करके हम खाते हैं मैगी को। मिर्ची बहुत थी और मेरी अम्मी जान कहती हैं कि बेटा सर पे दुपट्टा रख के ब्लॉग बनाया करो, तो अगर कहीं नहीं रखती हूँ या मतलब मेरे माइंड में नहीं होता है कि मैं नहीं रखूँगी और ऐसे ही बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मतलब मेरे दिमाग से निकल जाता है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो रैंडम ही बनाती हूँ, मेरा कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो अम्मी मम्मा देख रहे होंगे वीडियो, तो अभी मैंने आप ही के लिए, अभी मुझे याद पड़े आप, तो आपके लिए मैंने दुपट्टा सर पे रखा। आई एम लिटरली
लिटिल बिट कंफ्यूज ये कौन सा पेड़ है, मुझे लगता है ये आम का पेड़ है। तो मुझे ये प्यारी जगह लगी इसलिए मैंने यहाँ पे शूट किया। देखो वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पे ये पेड़ है सुंदर सा। तो अभी मैं बैठी, इसे हम बोलते हैं पेरापट, तो इसको हम बोलते हैं पेरा बिट, पता नहीं पिट, तो इसे हम बोलते हैं, तीसरा रीटेक किया मैंने, इसे हम बोलते हैं पेरा बिट। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, देखो और सुंदर देखो पीछे, वाह बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा सुंदर। देखो कितनी सुंदर ग्रीनरी है, देखा कितना सुंदर है यार, ये अजीब सा ग्रीन है, बहुत सुंदर, मतलब वो वाला सुंदर, सुंदर सुंदर वाला। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैठी थी, अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से आगे और प्यारी प्यारी जगह दिखाऊंगी आपको, प्यारी प्यारी जगह मिल जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको प्यारे प्यारे व्यू पॉइंट दिखाती हूँ यहाँ से, जहाँ जहाँ भी सुंदर है मैं आपको दिखाती हूँ शूट करके कितना सुंदर है। इस पे बैठते हैं बैठ नहीं सकती, इतना जिगरा नहीं है मेरे पास। तो मैंने देखा कैमल, तो आई लव कैमल। शरीफ है ना ये, ये मतलब कुछ टच करें, करो करो, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, वाह बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे ही रास्ते पे बैठ, ये होता है, अच्छा अच्छा ये क्यों उठ गया, नहीं अगर लात थक गया, हो गया थक गया ना, मैं अभी इस पे बैठ जाती हूँ, खाली ऊपर नहीं उठ सकती क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। इसको पकड़ के रखना बस, और कुछ नहीं, नहीं वो ये बहुत झटका मारता है, नहीं मारेगा, ये ऐसे कर रहा है ना, नहीं आप इसको पकड़ के रखो, ये इसको पकड़ के रखो, कोई बात नहीं पकड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी इसको, फूला थोड़ी छोड़ेंगे इसको, हम पकड़ते रहते हैं। सारे बच्चे देख रहे हैं, अभी चलाओगे भी? हाँ चलाओगे, आप पकड़ के रखो, कुछ नहीं होगा मैम, आप सेंटर में बैठेंगे कुछ नहीं होगा। तो पैसे आगे की तरफ रहना है।
ये क्यों लगा रहे इसको? ये ऐसी सजावट के तौर पे। हाँ जी जी। आपका नाम क्या है? कामम। इसका नाम क्या है? इसका नाम कोडू। कबड्डू। कबड्डू? हाँ। बहुत अच्छा नाम है। और मैं कैसी लग रही हूँ? मैं टेढ़ी क्यों हूँ? नहीं नहीं, ये ऐसे ही टेढ़ी, ऊँट वो टेढ़ा हो रहा थोड़ा। अच्छा अच्छा। सीधा नहीं बैठा है। खुद ही हो रहा है? हाँ खुद हो रहा है। तो ये आपने कहाँ से लाया है? ये मैम जी वो राजस्थान, राजस्थान से उधर से आते हैं ना व्यापारी बेचने के लिए। अच्छा, तो हमें बच्चा लिया था छोटा। तो खाते क्या है ये? ये मैम जी ये खाते हैं चूड़ी चूड़ी होती है। अच्छा। ये देती है पत्री डाला चला जितना देना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। ये देखो मोर। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो रास्ता कितना सुंदर है, हसीन है। यार मैं क्या बताऊं आपको, मैं कितना डर गई जब वो आगे तरफ, जब वो बैठा ना कैमल, तो जब वो बैठा अगले घुटनों से ना वो नीचे झुक गया। मुझे लगा मेरे सारे दांत गए आज। आज मैं पूरे फेस के मतलब अपने मुंह के बल गिर जाऊंगी यार, मेरे मुंह से ही निकल रहा है। मैं इतनी डर गई ना, मैं पहले चढ़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब हाँ अरमान था कि मैं चढ़ूं, कैमल राइडिंग करूं, मेरे को बहुत शौक था। बट वैसे भी लोग जो इस पे सफर करते हैं बहुत कहीं गई है, कमर दुख जाती है। वे है व्यू, देखो कौन सा व्यू है। मुझे लगता है कि यहाँ से वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो यहाँ से शायद दिखता होगा, मुझे पूरा पता नहीं। अब मैं उतर के आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जाऊंगी मैं पीछे। तो चलो मेरे साथ, हम चलते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं आगे से वेव कैसा है। ओ मम्मा, इधर अजीब से कीड़े हैं, मैं दिखाती हूँ। देखो यार कितना भयानक कीड़ा है, इसके पैर 50 आगे से हैं, 100 पीछे से हैं। ये देखो वेव, वाओ कितना सुंदर व्यू है यार, ये देखो, वाओ ब्यूटीफुल। वहाँ पे पूरा एस भी बना है मेरे नाम का, देखो। और वहाँ पे लेक है और मंदिर, वैष्णो देवी कहाँ है? वहाँ होगा शायद, नहीं वहाँ होगा। कीड़ों की आवाज़ सुन रहे हो आप, जो जंगल में होती है टू ऐसे वाली। यहाँ से देखो गाड़ियाँ चलती हैं, कितना सुंदर लगता है यहाँ से। देखो यहाँ की ओर चलती हैं, वहाँ से आती हैं, यहाँ से जाती हैं। ये मानसर वाला रोड है। तो अभी जो मैं यहाँ पे हूँ, कुछ ऐसा व्यू है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। तो ऐसी सुंदर जगहों पे आने से ना मन बहुत खुश हो जाता है, शांत हो जाता है मन। तो देखो यार, मेरे को ना हर वक्त सर में दर्द रहती है। उफ, अभी फिर से सर में दर्द होने लगी मुझे। धूप जो है पूरा फेस पे पड़ रही है, वहां से आ रही है ना हमारे फेस पे पड़ रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज, कीप सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल।